बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टमाटर की कड़ी। आपने कड़ी तो बेसन की खाई होगी, टमाटर की कड़ी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और जल्द से जल्दी ही बन जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें टमाटर की कड़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये 125 ग्राम टमाटर हैं, जिसको मैंने ऐसे ही बस छिलके समेत मशीन में पीस लिया बगैर पानी के। ये इस तरीके से एक प्यूरी टाइप की बन गई। बघार के लिए, जो हम टमाटर की कड़ी बनाने के लिए पहले जो ऑयल का बघार लगाएंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़े से कड़ी पत्ते के लीव्स, 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, 2 से 3 मोटी मोटी हरी मिर्चें इस तरीके से काट लेंगे, 1 टेबल स्पून बेसन, नमक लेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। और जो जब कड़ी बन जाएगी तो उसके लिए बघार के लिए हम लेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते के लीव्स, ज़ीरा और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम डालेंगे पहले लहसुन अदरक, इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए और लहसुन का जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें और प्याज। इसको हमने पकाना नहीं है, बस हल्का सा ऑयल में मिक्स कर लेना है ताकि ये जो है सब ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये हो गया हमारा अच्छी तरीके से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने पीस लिया था, इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक और बेसन, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें बेसन के जो है लम्स ना बने। इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे। इसमें सारे मसाले जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब हम इसमें तकरीबन 1 प्याले के करीब पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा कड़ी का मिक्सचर है ये पहले बेसन अच्छी तरीके से इस पानी में पक जाए। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें पकोड़ों का मिक्सचर नहीं, इसमें पकोड़े नहीं डलते, ये सिर्फ और सिर्फ टमाटर की कड़ी है, बग़ैर पकोड़ों के टमाटर की कड़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़े की। और आप इसको सादे चावल के साथ खाएं, बेइंतहा मज़े की बनती है। अब इसको हम तकरीबन स्लो आंच पे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो हमने बेसन डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें पक जाए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद जब ये पक जाएगा फिर हम इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन हल्की आंच पे ढक्कन ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। आधा घंटा हो चुका है, ये हमारी कड़ी जो टमाटर की कड़ी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑयल भी आ चुका है और ये टमाटर पक चुके हैं, सारे मसाले तकरीबन सारे पक चुके हैं और कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इस कड़ी के लिए एक बघार बनाऊंगी, वो बघार आपको दिखाती हूँ। ये 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्चें, ये ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें थोड़ी सी पक जाएं, फ्राई हो जाएं इसमें, जब तक हम इसको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चूल्हा तेज़ कर देंगे ताकि हमारा बघार जो है वो रेडी हो जाए। जब ये साबुत लाल मिर्चें और ज़ीरा पकने लगे फिर हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते के लीव, और 2 मिनट में हमारा 2 सेकंड में हमारा तकरीबन बघार रेडी है। ये बघार रेडी हो चुका है, अब इसको हम कड़ी में डालेंगे। बेसन जो हमने डाला था उससे कड़ी जो है गाढ़ी हो चुकी है और कड़ी पक चुकी है। अब ये जो बघार मैंने बनाया था ये मैं इसी तरह गर्म डाल दूँगी,
ठंडा भी करके डाल सकते हैं, लेकिन गरम डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बघार भी लग चुका है और कढ़ी पक गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। टमाटर की कढ़ी बिल्कुल रेडी है और मैंने आपको इसको सर्व करके दिखा दिया है। बेइंतहा अच्छी और मज़े की है। जिस तरीके से कढ़ी में खट्टापन होता है, वो खट्टापन इस टमाटर की कढ़ी में मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाना सिखा सकूं और बहुत इजी तरीके से उसको बनाना सिखा सकूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।